गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, स्कूल ऑफ एजुकेशन, UPRTU प्रयागराज से। आज हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, BEd SE01 ब्लॉक 2 यूनिट 5। पिछली यूनिट में हमने जो स्टडी की थी वो था कुछ थियोरीज थी, जिसमें थी पियाजे की थियोरीज, वाइगोत्स्की, बेंटूरा, ब्रूनर की थियोरीज। और आज हम जिस यूनिट के स्टडी करेंगे वो है साइकोसोशल थियोरी ऑफ एरिक्सन और साइको अनालिटिक थियोरी ऑफ फ्रायड। सबसे पहले हम एरिक्सन की थियोरी से स्टार्ट करते हैं। तो जो एरिक्सन ने थियोरीज दी हैं वो उसमें कुछ स्टेजेस दी हैं जिस डेवलपमेंट की, जो इस प्रकार है, और इसे आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं, इमेज से वो क्लियर होगी। उसमें ये सारे स्टेजेस दी हैं कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी। सबसे पहले स्टेज 1 थी ट्रस्ट बनाम अविश्वास, जो उन्होंने बताया कि जन्म से 18 महीने तक शिशुस्थ था। फिर स्टेज 2 आगे स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, जो 18 माह से 3 साल तक वर्ष के बच्चे तक की होती है। फिर स्टेज 3 में आता है पहल बनाम अपराध, इसकी एज होती है 3 से 5 तक, पूर्वी स्कूल वर्ष। फिर स्टेज 4 आती है उद्योग बनाम हीनता, 6 से 11 वर्ष तक। फिर आता है स्टेज 5 पहचान बनाम भ्रम, 12 से 18 साल तक, यानी कि एडोल्सन। फिर आता है स्टेज 6 अतरंगता बनाम अलगाव, 18 से 40 तक, युवावस्था। फिर रहता है जेंडेविटी, 40 से 65 ईयर्स तक की ये एज होती है, ये एडल्टहुड। फिर स्टेज 8 होती है अखंडता बनाम निराशा, यानी कि ये होती है ओल्ड एज 65 से, और जब तक मृत्यु होती है तब तक की ये एज होती है। अब हमने स्टेज के सिर्फ नाम जाने हैं, तो अब हम इसे आगे चल के इसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। ओवरव्यू ऑफ एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब इसके बारे में बात करें तो क्या वास्तव में एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या वास्तव में एरिक्सन और उनने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रवेश किया था। तो जो एरिक्सन का की थियरी है वो सिगमंड फ्राइड से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने भी फ्राइड की तरह बोला है कि जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेज वाइज होती है। सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग ईच स्टेज, मतलब उन्होंने बताया है कि हमारे जो हर स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई कोई किसी न किसी की तरह की, जैसे कि स्टेजेस में बताए मिट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी हो गया, या फिर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब पूरा टाइम जब भी आप कोई भी स्टेज में पहुंचेंगे तो आपके एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट रहती ही रहती है किसी तरह की। एक्शन के सिद्धांत में प्रत्येक चरण पूर्ववर्ती चरणों में बनाता है, विकास के निम्नलिखित अवधियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रत्येक चरण में एक्शन का मानना था कि लोग एक संघर्ष का अनुभव करते हैं, जो जो विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य भी करता है। एक्शन के विचार में संघर्ष या तो एक मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता विकास करने या उस गुणवत्ता को विकसित करने में विफल रहने पर केंद्रित है। इन समूहों के दौरान व्यक्तिगत विकास की संभावना अधिक है, लेकिन इसलिए विफलता की संभावना है। मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी रहती है। यदि सफलतापूर्वक संघर्ष से निपटते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ताकत के साथ मंच से निकलते हैं और उन्हें जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अच्छी तरह से संभावनाएं बन जाती हैं। अब इसका एक और पॉसिबिलिटी है, मतलब एक और चीज इसके अंदर अब वो बताई है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मास्टरी लीड्स टू ईगो स्ट्रेंथ, ये आ जाता है। एक्शन का ये भी मानना है कि जो क्षमता की भावना व्यवहार और कार्य को प्रेरित करती है। एक्शन के सिद्धांत तो सबसे पहले प्रत्येक चरण में एक क्षेत्र में सक्षम बनने से संबंधित है। यदि चरण की अच्छी तरह से संभाला जाए तो व्यक्ति को एक्सपर्टीज मिल जाती है,
जिससे कि कभी कभी अहंकार शक्ति या अहंकार की गुणवत्ता के रूप में बताया जा सकता है। और अगर ये नहीं मिलता तो अपर्याप्तता, एक कमी, एक लैकिंग की फीलिंग आती है। ये टेबल से भी हम समझ सकते हैं कि एज कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसमें कौन कौन सी उम्मीदें हो सकती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेज वन से, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक्सन के इसमें क्या आता है, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का पहला चरण है ये, जिसमें जिसे जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच माना गया है। यह जीवन में सबसे मौलिक होता है, सबसे मतलब स्टार्टिंग इसी से होती है, क्योंकि शिशु पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, ट्रस्ट उस पर ट्रस्ट डेवलप करता है, देखभाल और निर्भरता की गुणवत्ता पर आधारित होता है। विकास में इस पर बच्चा पूरी तरह से वयस्क देख अपनी माँ पर, अपने पेरेंट्स पर, सिबलिंग्स पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, चाहे वो भोजन हो, प्रेम हो, गर्मी में सुरक्षा हो, पोषण सहित जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज के लिए आवश्यक है। यदि कोई पेरेंट या कोई पर्याप्त देखभाल प्यार नहीं दे पाता है कि वो पूरी तरह से उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और जो ये मिसट्रस्ट है वो लाइफ टाइम के लिए डेवलप हो जाता है। आउटकम्स, यदि कोई बच्चा सफलतापूर्वक विश्वास विकसित करता है तो बच्चा दुनिया में सुरक्षित और महसूस करेगा। देखभाल करने वाले जो असंगत है, भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध है या अस्वीकृति उसकी देखभाल के तहत बच्चों में अविश्वास की भावनाओं में योगदान करते हैं। ट्रस्ट को विकसित करने में विफलता के परिणाम स्वरूप भय और एक विश्वास होगा कि दुनिया असंगत और अप्रत्याशित है। मतलब कि अगर उसे अच्छे से देखभाल दी जाए तो उसके अंदर ट्रस्ट आएगा, वो सब पे ट्रस्ट करना सीखेगा, लेकिन अगर उसमें उसे अगर पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से अच्छे तरह से हेल्प नहीं मिलती है, जो डिपेंडेबिलिटी होती है किसी से अच्छे से, जिन चीज़ों पर वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है वो चीज़ें उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती है, तो वो लाइफ टाइम के लिए मिसट्रस्ट डेवलप कर लेता है। अब स्टेज टू की बात करते हैं, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब इसमें क्या है, एरिक्सन ने बताया है कि इसमें मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण है जो बचपन से स्टार्ट होता है, व्यक्तिगत नियंत्रण की भावनाएं विकसित करने के लिए बच्चों पे केंद्रित होता है। इसमें रोल ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ से बच्चा थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगता है। विकास में इस बिंदु पर बच्चे बस थोड़ी स्वतंत्रता हासिल करना शुरू कर रहे हैं, अपने दम पर बुनियादी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, जो पसंद करते हैं उसके बारे में निर्णय लेते हैं। बच्चों को विकल्प बनाने और निर्णय हासिल करने की अनुमति देकर माता पिता उनके अंदर स्वायत्तता की भावना यानी कि ऑटोनॉमी की फीलिंग डेवलप कर देते हैं। अब इसके आउटकम्स क्या है, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अपने, जिन्हें इस तरह की फीलिंग नहीं आती, मतलब बच्चों को अगर आप इतना इंडिपेंडेंट नहीं बने दोगे तो उनके अंदर जो शेम और डाउट की हमेशा फीलिंग बनी रहेगी, वो कभी भी कुछ भी सही डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे, उन्हें एक डाउट बना रहेगा या फिर उन्हें लगेगा कि वो ये काम कर सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फाइंडिंग बैलेंस, इसके अंदर इस विचार को पूरा करने के लिए बच्चे सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं अगर उन्हें इंडिपेंडेंस सिखाई जाए, उनके पेरेंट्स उन्हें भरोसा दिलाए कि वो काम कर सकते हैं। जो लोग और जो अपर्याप्तता, जो मतलब जिन्हें इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट ही बने रहते हैं तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए एक तरह का डाउट रहता है, एक शेम की फीलिंग रहती है उन्हें। और इसलिए एरिक्सन का मानना था कि ऑटोनॉमी और अगर उसके बीच में एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। अब ये विश्वास है कि इसे और अगर ये बन जाता है तो इससे बच्चे इरादे, तर्क और सीमा के साथ काम कर, मतलब एक लिमिट में लेकिन एक कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं, और डाउट और सेम से निकल कर ऑटोनॉमी की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं।
मनोसामाजिक विकास का, अब फिर इसकी जो थर्ड स्टेज आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इसके थर्ड स्टेज में क्या है, उसे पूरे स्कूल मतलब जब बच्चा स्कूल जाने से पहले की स्टेज है ये, स्कूल में जाता है तो वो क्या क्या सीखता है उसमें क्या क्या मनोसामाजिक विकास में इस बिंदु पर बच्चे खेल और अन्य सामाजिक बातचीत के माध्यम से दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे इस स्तर पर असफल होते हैं तो वो सक्षम होते हैं, दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम महसूस करते हैं। जो लोग इस कौशल को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चल रहे हैं इसमें, तो और जो विफल रहते हैं उन्हें अपराध, आत्मसंदेह और पहल की कमी की भावना उनमें बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज है, बच्चों को पर्यावरण पर नियंत्रण और शक्ति का दावा करने की आवश्यकता होती है। इस चरण में सफलता उद्देश्य की भावना की ओर ले जाती है। जो बच्चे बहुत अधिक शक्ति अनुभव को अस्वीकृति देने की कोशिश करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनमें अपराध की भावना आ जाती है। जैसे जब व्यक्तिगत पहल का एक आदर्श संतुलन दूसरों के साथ काम करने की इच्छा प्राप्त की जाती है, तो उद्देश्य के रूप में जाना जा सकता है कि उनमें अहंकार आ जाता है। फोर्थ स्टेज है इसकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी। इस फोर्थ स्टेज में क्या है, जो फोर्थ स्टेज सबसे पहले इसकी एज है 5 से 11 इयर्स तक, जो स्कूल के दौरान होती है। सामाजिक बातचीत के माध्यम से बच्चे अपनी उपलब्धियों क्षमताओं में गर्व की भावना विकसित करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की आवश्यकता होती है। सफलता क्षमता की भावना की ओर ले जाती है, जबकि विफलता में क्या होता है, हीनता की भावना आ जाती है। जिन बच्चों को माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित और प्रशंसा की जाती है, वह अपने कौशल में क्षमता और विकास की भावना विकसित कर लेते हैं। और जो लोग माता पिता और शिक्षकों साथियों से बहुत कोई किस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता है जिन्हें, वे सफल होने के लिए उन्हें क्षमता अपने अपने ऊपर डाउट वाला रहता है। मनोसामाजिक विकास में सफलतापूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है, कि मतलब जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित कर सके, उनके सामने निर्धारित कार्यों को संभालने के लिए क्षमताओं में विश्वास करते। अब आएगी स्टेज 5 यानी कि आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। इसमें इस स्टेज पे बच्चा, क्योंकि एडोलसेंट ईयर की एज होती है, तो इसमें बच्चा शांत रहता है। ये है, और ये इसलिए एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यह चरण व्यक्तिगत पहचान की भावना, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस के बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। व्यक्तिगत पहचान की भावना को विकसित करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। तो जो किसी व्यक्ति के जीवन के बाकी हिस्सों के लिए व्यवहार और विकास को प्रभावित करेगा। एडोलसन में आत्मा और व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करने की आवश्यकता में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, कि कभी उसे बोला जाता है क्या, तुम इस चीज के लिए बहुत छोटे हो, और किसी चीज के लिए उसे बोला जाता है कि तुम बहुत इस काम के लिए तुम बड़े हो गए हो, तो उसे कन्फ्यूजन होता है। दूसरा, वो अपने फ्यूचर के लिए अलर्ट हो जाता है, उसे लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या किस चीज़, तो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी के लिए अपने वो सफर करना शुरू कर देता है, अपनी एक अलग पहचान बनाने की सोच आ जाती है उसके अंदर। सफलता अपने आप पर सही रहने की क्षमता की ओर ले जाती है, जबकि इसमें जो विफलता होती है इसमें वो खुद को वीक फील करना शुरू कर देता है, उसमें डाउट आ जाता है कि वो सही कर रहा है नहीं, उसे क्या करना चाहिए। और अगर वो डाउट में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो वो रास्ता भटक सकता है। इस एज में यानी कि एडोलसन में बच्चे अपने स्वतंत्र उस पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली सारा काम करने लगते हैं। व्यक्तिगत एनालिसिस इसके थ्रू वो अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए तो वो उस मजबूत स्टेबल हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इस एज में आइडेंटिटी नहीं उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्हें आपने आइडेंटिटी नहीं खोज पाते हो, नहीं मिल पाती है, तो उन्हें
अपना रोल कंफ्यूजन की प्रॉब्लम होने लगती है। वे अपने भविष्य के बारे में असुरक्षित और भ्रमित महसूस करेंगे। अब आइडेंटिटी क्या है? जब मनोवैज्ञानिक पहचान के बारे में बात करते हैं तो वे सभी विश्वासों, आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को आकार देने और मार्गदर्शन करने में महसूस करते हैं। इस चरण को पूरा करने में सफलतापूर्वक फिडेलिटी हो जाती है, जिसे एरिक्सन ने समाज के मानकों और अपेक्षाओं द्वारा जीने की क्षमता के रूप में वर्णित किया। जबकि जो एरिक्सन है, एरिक्सन का मानना क्या था इसमें कि मनोसामाजिक विकास का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, जिसे हम सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित करते हैं। और मनोसामाजिक विकास में कन्फ्यूजन की जो जो सिचुएशन आती है, और या फिर आइडेंटिटी के दौरान एक तरह का केंद्र ध्यान केंद्रित करते, पहचान के नए अनुभव जानकारी के कारण लगातार बदलती रहती है, जो हम दूसरों के साथ अपने दैनिक बातचीत में प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारे पास नए अनुभव हैं, हम उन चुनौतियों को भी लेते हैं जो पहचान के विकास में मदद करती हैं या तो फिर बाधा डालती हैं। अब आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारी पहचान हमसे प्रत्येक को एक इंटीग्रिटी और सामंजस्य का भावना देती है, जो हमारे पूरे जीवन में इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत पहचान की हमारी भावना और हमारे अनुभवों और दूसरों के साथ बातचीत से आकार लेती है, और यह वह पहचान है जो हमारे कार्यों, विश्वासों और व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करती है। आप स्टेज 6 आगे, इंटीमिटी वर्सेस आइसोलेशन, ये आती है अडल्टहुड में। इसमें अन्य लोगों के साथ अतरंग प्रेमपूर्ण इंटीमेसी आ जाती है, और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। सफलतापूर्वक मजबूत रिश्तों की ओर ले जाती है ये एज। जबकि अगर इसमें इसमें हम फे इसमें फेलियर मिल जाती है तो अकेलापन, अलगाव हो जाता है। यह चरण प्रारंभिक व्यस्तता की अवधि की ओर जाता है, जब लोग व्यक्तिगत संबंधों की खोज कर रहे होते हैं। एरिक्सन का मानना है कि यह इम्पोर्टेंट है, और इसमें लोग अन्य लोगों के साथ करीबी प्रतिबद्ध संबंध विकसित करते हैं। जो लोग इस कदम पर सफल होते हैं वो रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं, और वो जो रिश्ते इस एज में बनते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें जो एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो इंटीमेसी होती है, इसमें व्यक्ति की पहचान को मजबूती देती है। और एक कुछ स्टडी से पता चला है कि अगर इसमें एज इंटीमेसी इंसान को नहीं मिलती है, अगर अच्छे रिलेशंस नहीं मिलते हैं, तो स्वयं खराब भावना के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर गलत लोगों से इस एज में मिलते हैं तो एक भावनात्मक अलगाव हो जाता है, अकेलापन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर सफल संकल्प के परिणाम स्वरूप और अच्छे लोग मिल जाते हैं तो स्टेबल रिलेशनशिप्स और अच्छी लाइफ मिलती है। क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग हम जितना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होते हैं, उसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। अब स्टेज 7 आ, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। अब इसमें क्या है? वयस्कों को उन चीजों को बनाने या उनका पोषण करने की आवश्यकता होती है जो अक्सर बच्चों के होने या अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाले सकारात्मक बदलाव का निर्माण करेगी। सफलता उपयोगिता और उपलब्धि की भावना की ओर ले जाती है, जबकि विफलता के परिणाम स्वरूप दुनिया में उथली भागीदारी होती है। वयस्क इस एज में हम अपने जीवन और परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना जीवन का निर्माण करते हैं। और क्या होता है, जो लोग इस चरण में सफल होते हैं वे उनकी फीलिंग होती है कि मतलब वो फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, और जो कौशल को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। लेकिन
अपनी अपने लाइफ में भी वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को बनाने में, वे दुनिया में वो प्रोडक्टिव कुछ भी करने में भी अनसक्सेसफुल होते हैं, अपने फ्यूचर को लेके भी इनसिक्योर रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता है, इसलिए वो अलग अलग सा महसूस करते हैं। इस चरण को सफलतापूर्वक संभाल जाने पर एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कि अपने रिलेशनशिप को हम चला पाते हैं, तो बहुत सिक्योर फीलिंग रहती है, अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं। बच्चों को वयस्कों में बढ़ते हुए देखना और जीवन साथी के साथ इंटीग्रिटी की जो फीलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत अच्छी और सिक्योर फीलिंग होती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अब इसमें क्या आता है, अंतिम जो उसका जो लास्ट स्टेज यानी कि एट स्टेज अंतिम, उसमें मनोसामाजिक चरण वृद्धावस्था के दौरान होता है, ओल्ड एज में जीवन, उसमें जीवन को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित होता है। विकास में इस बिंदु पर लोग अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं और यह निर्धारण करते हैं कि क्या वे उस जीवन में खुश हैं और जो रहते थे, या फिर यदि वे चीजों को पछतावा करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया या किया करना चाहिए था क्यों नहीं किया। एरिक्सन का सिद्धांत के अन्य लोगों से भिन्न था क्योंकि इसने वृद्धावस्था से पूरे जीवन काल में विकास को संबोधित किया था। अब वृद्ध वयस्कों को जीवन को वापस देखने और तृप्ति की भावना महसूस करने की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर सफलता ज्ञान की भावनाओं की ओर ले जाती है, जबकि विफलता हमें रिग्रेशन, करवाहट, निराशा होती है। इस स्तर पर लोग अपने जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। जो लोग एक जीवन में को देखते हैं वो महसूस करते हैं कि अच्छी तरह से जीते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं और शांति की भावना के साथ अंत में सामना करते हैं। लेकिन जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और रिग्रेशन रिग्रेट करते हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया, हम ये क्यों नहीं कर पाए, हमने ये गलती कैसे कर ली, उनका जीवन पूरी तरह से सिर्फ रिग्रेट करने पे बीत जाता है। जो उनकी ओल्ड एज होती है वो रिग्रेट करने में ख़त्म हो जाती है। और फिर जो लोग इस चरण में अनसक्सेसफुल होते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, और उसके लिए पछताते हैं, फिर उनके अंदर कड़वाहट आती है, निराशा आ जाती है। और अगर वो लोग सक्सेसफुल होते हैं तो उनके उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, अखंडता की भावना, इंटीग्रिटी की भावना होती है। अब इस थियरी की कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, अब उसे क्रिटिसाइज करें तो उसमें मनोसामाजिक सिद्धांत एक कमजोरी है कि संघर्षों को हल करने और चरण से अगले तक जाने के लिए सटीक तंत्र की अच्छी तरह से वर्णित विकसित नहीं किया गया। सिद्धांत पर विस्तार करने में विफल रहा है और संघर्षों को सफलतापूर्वक हल करने और अगले चरणों में जाने के लिए प्रत्येक चरण में किस प्रकार से अनुभव आवश्यक है ये भी बताया नहीं गया है। उसके सपोर्ट में क्या बात सब क्या चीज अच्छा है इसमें, तो मनोसामाजिक सिद्धांत की ताकत में यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें पूरे जीवन काल में विकास को देखने के लिए मनुष्य की सामाजिक प्रकृति और सामाजिक संबंधों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर देने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं ने पहचान के बारे में एरिक्सन के विचारों का समर्थन करने वाले साक्ष्य पाए हैं और पहचान के गठन के विभिन्न उपचरणों की पहचान की है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि किशोरावस्था के दौरान मजबूत व्यक्तिगत पहचान बनाने वाले लोग शुरुआती व्यस्तता के दौरान इंटीमेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं। अन्य शोध बताते हैं कि पहचान गठन और विकास व्यस्तता में अच्छी तरह से जारी है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एरिक्सन का जो थियरी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके इम्पोर्टेंस का कारण है कि सिद्धांत में बचपन के नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन को विकास को बताता है। विकास में प्रत्येक बिंदु पर व्यक्तित्व और विकास को आकार देने में सामाजिक संबंधों इम्पोर्टेंट रोल पर जोर दिया गया है। अब इसके बाद आती है फ्रायड की थियोरी, एड ईगो एंड सुपर ईगो, जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स को बताया गया है। इन तीन एलिमेंट से बनी है फ्रायड की थियोरी। अब इसका इसमें दिया गया है एड, मुझे ये खा लेना चाहिए एड के बारे में, ईगो
इन दोनों के बीच में बात करता है, और सुपर ईगो, यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं और इनका बीच का रास्ता होता है ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी है इसमें, मानव व्यक्तित्व जटिल है। उनके अकॉर्डिंग मानव पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से भरी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसके अंदर, इसमें एक ही घटक से अधिक है। इसमें क्या होता है कि प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रॉइड कहते हैं कि व्यक्ति तीन तत्वों से बना है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये जो फैक्टर्स होते हैं जटिल मानव व्यवहार को बनाने के लिए एक साथ का मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक घटक व्यक्तित्व में अपना अनूठा योगदान जोड़ता है और तीनों उस तरीके से बात करते हैं जैसे कि जो किसी व्यक्ति पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। ये तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी व्यक्ति का अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनैलिटी का प्रत्येक तत्व जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर उभरता है। फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार आपके व्यक्तित्व के कुछ पहलू अधिक मौलिक होते हैं और आप अपने सबसे बुनियादी कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं। पर्सनैलिटी जो होती है उसके अन्य हिस्सों इन मुकाबला करने और वास्तविकताओं की मांगों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। यह व्यक्तित्व के इन प्रमुख भागों में से प्रत्येक पर करीब अगर नजर डालें तो कैसे काम करते हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इड की। फ्रॉइड के अनुसार इड जो होता है वो मानसिक ऊर्जा का स्रोत है जिसे वह व्यक्तित्व का प्राथमिक घटक है। इड जो होता है व्यक्तित्व का एकमात्र घटक है जो जन्म में मौजूद होता है। व्यक्तित्व का यह पहलू पूरी तरह से अचेतन है और इसमें सहज और व्यवहार शामिल है। इड आनंद सिद्धांत पर संचालित होता है जो सभी इच्छाओं जरूरतों के तत्काल संतुष्टि के लिए प्रयास करता है। मतलब उसे तुरंत कोई चीज चाहिए, कोई पेशेंस नहीं रखना है, बस ये चीज चाहिए तो अभी चाहिए, इसमें कोई वैल्यूज नहीं होती है। यदि ये आवश्यकताएं तुरंत संतुष्ट नहीं होती तो परिणाम डिप्रेशन का हो। अगर व्यक्ति को ये चीजें अगर वो उसमें इड हावी है पूरी तरह से तो, और अगर उसे वो चीज नहीं मिलती है तुरंत तो बच्चा डिप्रेस हो सकता है, स्ट्रेस में स्ट्रेस लेने लगता है, एंजाइटी, स्ट्रेस जो भी के बोले। इड जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुनिश्चित करता है कि अब फॉर एग्जांपल भूख और प्यास में वृद्धि, खाने पीने को तुरंत मिलना चाहिए। अब इड जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शिशु की जरूरतों को पूरा किया जाए। यदि शिशु भूखा है, असहज है, तब तक रोएगा जब तक कि इड की मांग संतुष्ट नहीं होती। युवा शिशु पूरी तरह से इड द्वारा शासन किया जाता है, उनके साथ किसी भी तरह का तर्क नहीं चलता, किसी का रीजनिंग्स में वो नहीं लगा पाते। उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुरंत चाहिए और जब तक कि उनकी वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इड को हम कुछ इस तरह से एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो कल्पना करें कि एक बच्चा अपने भोजन के लिए इंतजार कर रहा है। इड को तुरंत संतुष्टि की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें अभी तक सुपर ईगो या ईगो नाम की कोई चीज नहीं है, तो बच्चा तब तक रोएगा जब तक इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जाएगा। हालांकि जब इन जरूरतों को तुरंत पूरा करना हमेशा यथार्थवादी मतलब पॉसिबल नहीं होता, बहुत बार नहीं हो पाता तुरंत, तो यदि हम पूरी तरह से आनंद सिद्धांत पर शासित थे तो हम अपने आप को उन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि उन दूसरे लोगों के साथ हम उन चीज़ों को अपने क्रेविंग को संतुष्ट कैसे पूरा करें। यह व्यवहार विघटनकारी भी हो सकता है, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें चाहिए। अगर सोसाइटल लेवल पर बात करें तो जो हमारी हर नीड वैलिड हो जरूरी भी नहीं है। फ्रॉइड के अनुसार इड प्राथमिक प्रक्रिया सोच के उपयोग के माध्यम से आनंद सिद्धांत द्वारा बनाए गए तनाव को हल करने की कोशिश करता है। जबकि लोग अंततः इड के नियंत्रित करना सीखते हैं, व्यक्तित्व का यह हिस्सा जीवन भर एक ही शिशु मौलिक रहता है और उसके बाद होता है ईगो और सुपर ईगो का विकास होता है। तो ये जो लोगों को इड की बुनियादी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का सीख और के तरीके सिखा देता है, जो हमारी जो नीड हो वो इस तरह से हम इस तरह से बैलेंस करना सीखें ताकि वो
सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब बात करते हैं ईगो की। फ्राइड के अनुसार ईगो इड से विकसित होती है, मतलब उसके बाद पहले आता है इड, फिर होता है, फिर आता है ईगो। यह सुनिश्चित करता है कि इड की आवेगों को वास्तविक दुनिया में कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए, उनका क्या कौन से तरीके होते हैं, वो बैलेंस करना सिखाता है। ईगो सचेत पूर्ववर्ती और अचेतन मन में कार्य करता है, वास्तविकता से निपटने और जिम्मेदार व्यक्तित्व घटक है। ईगो शब्द का उपयोग कभी कभी हम व्यक्तित्व के बारे में अपनी जागरूकता का वर्णन करने के लिए करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व और अगर पर्सनैलिटी और ईगो एक एक तरह से नहीं है तो इससे क्या होता है कि अपने पूर्ण व्यक्तित्व के सिर्फ एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें कुछ को और भी क्वालिटीज हैं, जैसे कि वास्तविकता सिद्धांत के आधारित होने पर अगर ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है तो ये यथार्थवादी और सामाजिक रूप से उपयुक्त तरीकों से इड की इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वास्तविकता सिद्धांत आवेगों पर कार्रवाई करने या छोड़ने का निर्णय लेने से पहले कार्रवाई की लागतों और लाभों का वजन करता है, मतलब ये देखता है कि क्या अगर हम इस सिचुएशन को अगर हम इस नीड को पूरा करते हैं कि तो क्या ये सही रहेगा, क्या ये वैलिड है हमारे लिए सोसाइटल लेवल पे और हमारे लिए, ये बैलेंस बना के चलता है। कई मामलों में एड जो होता है कि आवेगों को डिले भी कर देता है उसे, कि मतलब अभी ये पूरा नहीं हो सकता, चलो हम बाद में कर लेंगे या ये चीज़ बाद में मिल जाएगी, तब तक हम इसे होल्ड पे रख देते हैं। तो ये एड की जो डिमांड होती है उसे वो होल्ड पे रख देता है। अब एड शब्द का प्रयोग अक्सर अनौपचारिक रूप से यह सुझाव देने के लिए किया जाता है कि किसी के पास स्वयं की भावना है, हालांकि व्यक्तित्व में अहंकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आपके पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वास्तविकता में रखता है, और ईड और सुपर ईगो को आप बुनियादी उसके नैतिक गुणों के बीच में एक लाइन बना देता है, एक मजबूत अगर ईगो बहुत मजबूत है उसका मतलब यह कि आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्राइड ने इड की तुलना में इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है, जैसे कि इसमें क्या है कि जो ईगो होती है वो माध्यमिक प्रक्रिया सोच के माध्यम से आवेग के द्वारा बनेगी तनाव का निर्वहन करता है, तो मतलब वो तनाव को दूर करता है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसका एक रीज़न ढूंढ लेता है कि नहीं अभी सही नहीं है या फिर हमें नहीं मिलने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमें समझाता है जो इड के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है उसे सॉल्व करता है, जैसे कि जिसमें अहंकार वास्तविक दुनिया में वस्तु को खोजने की कोशिश करता है जो इड की प्राथमिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई मानसिक छवि से मेल खाता है, मतलब ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी ढूंढ सकता है जिससे कि हमारी इड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। इसका एक एग्जांपल लें, अगर कल्पना कीजिए कि आप काम पर लंबी बैठक में फंस गए हैं और आप अपने आप को तेजी से भूख आपको लगता है कि भूख लगी है और मीटिंग में भी है, तो जब इड अपनी सीट जब इड को लगेगा अगर इड की मानेंगे तो उसे लगेगा कि जल्दी से जाएं कुछ खा लें, और जो ईगो है वो आपको चुप बैठने के लिए मनाता है कि हम मीटिंग के बाद ही हम कुछ खाएंगे। अब इड के जो मौलिक आग्रह होते हैं उसे अभिनय करने के बजाय आप अपनी बैठक में खुद को चीज़ बर्गर खाने के लिए आप इमेजिन करते हैं कि आप चीज़ बर्गर खा रहे हैं, और एक बार जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम उसे ढूंढते हैं कि आप चलो मीटिंग ख़त्म हो गया हम खा सकते हैं। अब लास्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो की बात करते हैं तो उसे विकसित करने के लिए व्यक्तित्व का ये अंतिम सबसे लास्ट फैक्टर है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो लगभग 5 साल की उम्र से उभरने लगता है। सुपर ईगो आंतरिक नैतिक मानकों और आदर्शों को धारण करता है और जो अपने माता पिता और समाज से प्राप्त करते हैं। इसमें आता है कि हमारी जो फीलिंग है वो कितनी सही है और कितनी गलत है उसमें हम डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। सुपर ईगो वैल्यू से रिलेटेड होता है। सुपर ईगो निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। सुपर ईगो के दो भाग है, विवेक
मैं उन चीजों के बारे में जानकारी शामिल है। इसमें एक चीज आती है जो विवेक, तो उसमें क्या क्या आता है कि चीजों के बारे में जानकारी शामिल है जो बुरे रूप में देखी जाती है वो हम नहीं करते, जैसे माता पिता हैं और जो समाज द्वारा मानी जाती है। इन व्यवहारों को अक्सर मना किया जाता है जो अपराध और पश्चात के बुरे परिणाम दंड और या भावनाओं को जन्म देते हैं। अहंकार, ईगो, आदर्श में व्यवहार के नियम और मानक शामिल हैं जो ईगो की आकांक्षा रखते हैं। सुपर ईगो हमारे व्यवहार को पूर्ण और सभ्य करने की कोशिश करता है और यह यथार्थवादी सिद्धांतों के बजाय आदर्शवादी मानकों पर कार्य करने के लिए ईगो को प्रेरित करता है। जो इड की अस्वीकार्य बातों को दबा देता है। इससे एग्जाम्पल है इड की सुपर ईगो वह है जो अपराध की भावना महसूस करेगा और यहाँ तक कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो कुछ अपराध की भावना महसूस करेगा। आपके व्यवहार को अच्छा महसूस कर अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा महसूस कराएगा। अब इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जब इनका इंटरेक्शन होता है तो एड ईगो सुपर ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका इंटरेक्शन हमारी पर्सनैलिटी के लिए। तो अगर हम इनके इंटरेक्शन की बात करें तो यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इनको परिभाषा को सीमित करने से तीन अलग अलग संस्थान ये एक ही है। यह पहलू गतिशील है और हमारे किसी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए बातचीत करते हैं। कई प्रतिस्पर्धी बलों के साथ यह देखना आसान है कि एड ईगो सुपर ईगो के बीच संघर्ष कैसे हो सकता है। फ्राइड ने इन द्वंद्व बलों के बावजूद अहंकार की भावना क्षमता का उल्लेख करने में ईगो के को ताकत को इस्तेमाल किया है। एक व्यक्ति जिसके पास ईगो की ताकत होती है वह प्रभावी रूप से इन दबावों का प्रबंधन करता है, क्योंकि वह बहुत अधिक या कम ईगो ताकत वाला होता है तो अनियंत्रित और विघटनकारी हो जाता है। अब अगर इसमें इम्बैलेंस हो तो क्या होता है? फ्राइड के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्तित्व की कुंजी इड ईगो सुपर ईगो के बीच संतुलन है। ये ईगो वास्तविकता इड और सुपर ईगो के मांगों के बीच पर्याप्त रूप से माध्यम हो सकता है। तो स्वस्थ और अच्छी तरह से समायोजित व्यक्तित्व उभरता है। फ्राइड का मानना है कि इन तत्वों के बीच एक असंतुलन एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। उदाहरण के लिए एक अति प्रमुख इड वाला व्यक्ति आवेगी, बेकाबू, यहाँ तक कि अपराधी हो जाता है। इस तरह का एक व्यक्ति अपने बुनियादी आग्रह पर काम करता है। इस बारे में कोई चिंता नहीं है कि उनका व्यवहार उचित, स्वीकार्य या कानूनी होगा कि नहीं। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो एक अति प्रमुख सुपर ईगो एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है जो बेहद नैतिकवादी और निर्णय लेगा। सुपर ईगो द्वारा शासित एक व्यक्ति कुछ भी हो या किसी को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा जिसे वो बुरा या अनैतिक मानते हैं। यानी कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो सुपर ईगो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ईड में सिर्फ वो क्या उसे उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। अगर आपको आज के डिस्कशन में या आज के जो हमने अध्ययन किया उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे से चैट बॉक्स के थ्रू या फिर फेस टू फेस यूनिवर्सिटी आके पूछ सकते हैं, कोई क्वारी कर सकते हैं अगर कोई आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू।